हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो गाइडेंस एंड काउंसलिंग में जो हमने पहला एक वीडियो निकाला था, उसमें हमने बेसिक्स की बात की थी कि डेफिनेशन, मीनिंग या एस्पेक्ट्स क्या हैं गाइडेंस की। आज हम बात करेंगे नेचर, नीड और इम्पोर्टेंस, यानी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या जरूरत है और किस तरीके का नेचर है गाइडेंस की जब हम बात करते हैं। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं सो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, जो आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। और उस सबसे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले या काम की बात शुरू करने से पहले, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी, क्योंकि आप लोगों के प्यार के साथ साथ स्पेक्स जो है वो मुझे लग गए हैं। बिकॉज जब से इनकलकेट लर्निंग शुरू किया है, 1 साल होने को है अब तो कुछ टाइम में, तो स्क्रीन टाइम जो है वो इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से आप लोगों का प्यार तो मिला मुझे ऑब्वियसली इनकलकेट लर्निंग की वजह से, बट स्पेक्स का गिफ्ट जो है वो भी मिल गया है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग अपनी आंखों का जरूर ध्यान रखिए, बिकॉज मैं बहुत जो है ऐसे वो होता है ना इतराना, कि मतलब 6x6 है मेरी आंखें तो, बट बहुत जरूरी होती हैं, क्योंकि जब बिगड़नी शुरू होती है सिचुएशन, सो आइज में पेन या जो है क्या आइज में पानी आना, सो वो इश्यूज जो है वो हैंडल नहीं होते शुरू में। सो आप लोग जो है उन चीजों का ध्यान रखें। सो देखिए, नेचर के बारे में शुरू करते हैं, गाइडेंस है अगर हम। अच्छा, एक और चीज, इससे पहले किसी ने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि हेल्प और गाइडेंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो उसके बारे में देख लेते हैं कि जब हम हेल्प की बात करते हैं ना, तो देखिए अगर हिंदी में मीनिंग देखेंगे तो दोनों का ही कहीं ना कहीं सहायता या मदद निकल के आएगा, ठीक है। सो हेल्प जो है उसमें आपको क्या मिलेगा, मदद, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, हेल्प जो है कुछ हद तक क्या है, जहां पे आप किसी की फिजिकल तौर पे हेल्प कर रहे हैं ये भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेके चलूं कि अगर आप रेंट पे रहते हैं कहीं पे और आपने घर शिफ्ट करना है, तो आपने किसी फ्रेंड को बोला कि यार आ जा और मेरी हेल्प कर दे सामान को शिफ्ट करवाने में, तो वहां पे वो आपको गाइड नहीं कर सकता, वहां पे वो आपको क्या है एक्चुअल में आपकी हेल्प करेगा, यानी कि सामान उठवा उठवा के आपके टेम्पो में रखवाएगा, भरवा के वहां उतरवाएगा, वो सिचुएशन। लेकिन जब हम गाइडेंस की बात करते हैं ना, तो मोर ओवर गाइडेंस किस साइड पे है, वो एडवाइस वाली साइड पे है, ठीक है। सो उसके अंदर हम ज्यादातर क्या है, परामर्श या गाइडेंस को हम एक तरीके से मार्गदर्शन लेके चलते हैं। हेल्प में क्या है, एक्चुअल में मदद हो रही है, सो हम इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते। हाँ, कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि गाइडेंस में भी तो हम किसी की हेल्प ही कर रहे हैं ना, बट वो एक तरीके से एडवाइस वाली हेल्प है। सो ये चीज ध्यान रखिए कि हम इनको ऐसे सिनोनिमसली यूज नहीं कर सकते, तभी तो अलग अलग वर्ड्स है ना ये। फॉर एग्जाम्पल आप जब पीएचडी करते हैं तो आपके पास क्या होता है, गाइड होता है या मेंटोर होता है कोई एक, ठीक है, वो आपको मार्गदर्शन करेगा, मतलब वो आपको रास्ता दिखाएगा कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो आपको करवाएगा नहीं उस चीज को, कि मतलब वो थोड़ी ना आपकी आके लैब में आप कहीं जाके सर्वे करवाएगा आपके, राइट। तो वो आपको क्या है, वो सिर्फ आपको रास्ता दिखाएगा। एक तो है कि ये इंसान है कोई, वो बोल रहा है कि मुझे उस मतलब किसी जगह का एड्रेस बताया, तो आप उसको बोल रहे हैं कि चलो इधर को छोड़ के आता हूँ, ठीक है। और एक है कि आप उसको बता दें कि यहां से लेफ्ट जाना है, उसके बाद राइट मुड़ जाना है, और उसके बाद वहां आपको वो जगह दिख जाएगी। सो दो अलग अलग एस्पेक्ट हो गए ना, एक में तो आप क्या है, तभी तो हम गाइड बोलते हैं उसको, हेल्पर तो नहीं बोलते, राइट, जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता है। तो गाइडेंस और हेल्प में आई थिंक आपको, आई होप अब तक जो है मतलब समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करते हैं नेचर की, कि गाइडेंस का नेचर किस तरीके का, जैसे हर इंसान का अपना नेचर होता है, वैसे ही गाइडेंस का भी एक नेचर होता है। जैसे ये प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, अगर आपको कोई दिक्कत है तभी तो आप किसी से एडवाइस ले रहे हैं, गाइडेंस मांग रहे हैं ना। अगर आपको, आप क्लास में आपने एमएड कर ली लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे आगे क्या परस्यू करना चाहिए, और आप अपने टीचर के पास या चेयरपर्सन के पास गए कि सर या मैम मुझे ये बताइए कि मैं इसके बाद क्या क्या ऑप्शंस हैं, या क्या मुझे बेटर रहेगा मेरे लिए या मेरी लाइफ की सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, सो वो क्या है, आपको वहां पे थोड़ी सी समस्या आई और आप जो है किसी से गाइडेंस के लिए मांगने के लिए चले गए। ऐसे ही अगर आपकी पर्सनल लाइफ में कोई इश्यू चल रहा है तो आप क्या करेंगे, अपने पेरेंट्स से या अपने फ्रेंड से क्या कहेंगे, यार थोड़ा गाइड कर या एडवाइस दे दे, कोई सजेशन दे दे। सो वो एक तरीके से क्या हो गया, कहीं पे भी जब आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप सॉल्व करने के लिए कहाँ जा रहे हैं, गाइडेंस को सीख कर रहे हैं, गाइडेंस को ढूंढ रहे हैं। सो गाइडेंस का नेचर क्या है, एक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ठीक है।
फिर है हेल्पिंग नेचर है, आप अब कोई आपकी हेल्प कर रहा है सेल्फ एडजस्टमेंट में या किसी भी वे में, तो वो क्या है, हेल्पिंग नेचर को हम गाइडेंस बोल रहे हैं। उस हेल्प को सिर्फ एग्जैक्टली सिर्फ हेल्प को गाइडेंस नहीं बोल सकते हम एक तरीके से, ठीक है। अगर हम फॉर्मल वे की बात करें तो वैसे इनफॉर्मल वे में तो आपके फ्रेंड, आपके पेरेंट्स, वो सब भी आपकी हेल्प कर देंगे, बट फॉर्मल वे में हमें वर्क क्या चाहिए, इस काम के लिए क्या चाहिए, एक्सपर्ट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स आपकी हेल्प तो कर सकते हैं, गाइड तो कर सकते हैं आपको, लेकिन उनको उस फील्ड के बारे में खुद आइडिया नहीं है कि वो आपको करियर के लिए गाइड कर दें, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगी, करियर गाइडेंस चाहिए होगी, राइट। तो वो क्या है, एक पर्टिकुलर एक्सपर्ट हमें चाहिए होगा। अगर आपकी तबीयत खराब चल रही है या आप थोड़ा सा आपने वेट गेन कर लिया है, आपको जो है हेल्दी रूटीन में फॉलो करना है और हेल्दी रूटीन में आना है, तो आपको डाइटिशियन चाहिए होगा, उसकी गाइडेंस चाहिए होगी आपको, राइट। तो आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है जब हम एक फॉर्मल वे की बात करते हैं। जब हम गाइडेंस के टाइप्स की बात करेंगे उस टाइम पे भी हमें देखने को मिलेगा कि वोकेशनल गाइडेंस हो गई या करियर गाइडेंस हो गई या हेल्थ से रिलेटेड गाइडेंस हो गई, सो उन सब के लिए, या पर्सनल गाइडेंस, ग्रुप गाइडेंस, इंडिविजुअल, तो वो कई तरीके हो जाते हैं। तो वो सारा क्या है, वो एक तरीके से एक्सपर्ट जो है वो वहां होना चाहिए, वो चीज हमें ध्यान रखनी है। गाइडेंस जो है वो रिलेटेड टू लाइफ है। अब चाहे आपकी हेल्थ का इश्यू है, चाहे आपके करियर का इश्यू है, हर चीज घूम फिर के तो लाइफ के अंदर ही है ना। सो गाइडेंस का नेचर क्या है, वो लाइफ से रिलेट करती है। डेवलप कैपेसिटी ऑफ सेल्फ ओरिएंटेशन या सेल्फ आइडेंटिफिकेशन या सेल्फ डायरेक्शन, तो वो सारी चीजें यहां आ जाएंगी कि आपको खुद को पहचानने के लिए, के पहचानने का नेचर है गाइडेंस का, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस है और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ऐसा तो नहीं है कि आप जो है 50 साल तक ही किसी की हेल्प ले सकते हैं, गाइडेंस मांग सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जो है कहीं घूमने भी जाते हैं तो वहां पे भी आपके पास क्या होता है, एक गाइड होता है, वो आपको बताता है उन सब चीजों के बारे में, राइट। सो गाइडेंस में हमेशा नेचर में क्या आएगा, कॉन्टिन्यूअस रहेगी, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि 50 साल तक ही आप किसी की गाइडेंस लेंगे, उसके बाद आप में जो है एनलाइटनमेंट हो जाएगा और उसके बाद आपको किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि सिचुएशंस लाइफ में अलग अलग आती रहती है, उन सिचुएशन के बेसिस पे हम गाइडेंस सीख करते हैं, राइट। सो वो क्या है, ये सारी चीजें इसके नेचर में आएंगी। एक और तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करें, सो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है ऑफ लर्निंग टुगेदर हेल्पिंग अदर्स, साथ में सीखने का और दूसरों को हेल्प भी करने का क्या है, नेचर है गाइडेंस का। दोनों आर्ट और साइंस इसको हम बोलते हैं। बुक्स में आपको ये लाइन देखने को मिलेगी कि इट इज बोथ आर्ट एंड साइंस। इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों नेचर हो सकते हैं, कि आप इंडिविजुअली भी किसी से गाइडेंस सीख कर सकते हैं और ग्रुप में भी गाइडेंस सीख कर सकते हैं। जैसे अगर आपने अभी जो सुशांत सिंह राजपूत की जो लास्ट मूवी थी, उसमें एक सेशन चल रहा होता है जहां पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और वो अपनी अपनी स्टोरी जो है वो शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। सो वो भी एक तरीके से क्या है, वो गाइडेंस सेशन ही माना जाएगा, बट वो ग्रुप गाइडेंस होगी, कि वो ग्रुप जो है वहां पे आप उसको क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी चीजें बता के गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिविजुअल गाइडेंस भी हो सकती है। रिगार्ड्स द वर्थ ऑफ एवरी चाइल्ड, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम नेचर की बात करें तो गाइडेंस जो है वो हर एक बच्चे की वर्थ को पहचानती है। अगर हम स्कूल लेवल पे या मतलब अगर हम एजुकेशन लेवल पे बात करें, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, सो वो हर एक चाइल्ड की क्या है, वर्थ उसको समझने की कोशिश करती है, और उसको समझना और उसकी हेल्प करना ही क्या है, गाइडेंस का नेचर है। अगर हम नीड की बात करें, नीड जरूरत क्या है, सो देखिए हमारी सोसाइटी ना बहुत कॉम्प्लेक्स है। अब सोसाइटी तक भी क्यों जाना, अगर आप खुद को सोच के देखेंगे सो आपकी लाइफ में भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी आपको दिखेंगी। वो नजरिया हो सकता है देखने का, कि अगर आपको कॉम्प्लेक्स नहीं दिख रही लाइफ, तो आपका वो नजरिया है कि चीजों को सिंप्लीफाई करके देखना, कि सब ठीक है ना, चिल, कोई बात नहीं, ये नहीं तो कुछ और सही, कुछ और हो जाएगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो वो सारी चीजें आपकी लाइफ को क्या करती हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करती हैं, राइट। तभी तो हम वो कोट्स पढ़ते हैं ना, कि चलो अच्छे समय बुरे समय में क्या है, कि ये समय भी गुजर जाएगा, वो सिचुएशन। बट एक्चुअल में अगर देखें सो लाइफ जो है, सोसाइटी जो है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसमें बहुत सारे इश्यूज आते रहते हैं। सो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप जो है किसी भी चीज से रिलेटेड, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई कॉम्प्लेक्स चीजें आपको दिख रही हैं, या पेरेंट्स कुछ और कह रहे हैं, फ्रेंड्स कुछ और कह रहे हैं, और आप कंफ्यूज होके खड़े हैं लाइफ में, ठीक है। तो वो क्या है, वहां पे हमें जरूरत पड़ती है किसकी, गाइडेंस की, ठीक है जी। तो किसकी वजह से जरूरत पड़ती है, कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ सोसाइटी की वजह से। सबके इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर इंसान अपने आप में अलग है,
राइट right? तो जब हर इंसान अलग है तो उनके ओपिनियंस भी अलग होंगे, और जब उनके ओपिनियंस अलग हैं तो हो सकता है कि मान लो आप हस्बैंड वाइफ हैं और आपके ओपिनियंस थोड़ा सी क्लैश कर रही हैं, सो हो सकता है आपको किसी की गाइडेंस की जरूरत पड़े दोनों को मिलके, ताकि आप एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ पाए, राइट right? सो वो क्या है, वहां पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस एक मेजर रीजन है कि हमें गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। चेंज इन सोशियो मोबिलिटी, चेंज इन पॉपुलेशन, यानी कि जो सोसाइटी है हमारी, ऑब्वियसली पॉपुलेशन उसमें दिन प्रतिदिन इंक्रीज हो रही है, और जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, डाइवर्सिटी, वो सारी चीजें इंक्रीज हो गई, सो वहां पे भी एक पॉइंट आता है कि हमें गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। सो नीड ऑफ गाइडेंस को, या जो मैंने एस्पेक्ट करवाए हैं लास्ट वीडियो में गाइडेंस की, सो उसमें भी क्या है कि एस्पेक्ट में, नीड में या इंपॉर्टेंस में, इन सब चीजों में हम घुमा फिरा के कहां पहुंचने की कोशिश करते हैं कि जरूरत क्या है, कि एक्चुअल में हमें सिर्फ क्या चेंज करनी है, लैंग्वेज चेंज करनी है। अब मैं बोल रही हूं कि सोसाइटी के कॉम्प्लेक्स नेचर की वजह से जरूरत है, या इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से, जहां आप वजह यूज कर रहे हैं वो नीड हो गई, कि जरूरत की बात कर रहे हैं आप। अगर आप इंपॉर्टेंस दिखा रहे हैं उसकी, तो कि वो आपको सेल्फ आइडेंटिफिकेशन में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, तो वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। सो वो चीजें क्या है, वो आप जो मैंने एस्पेक्ट करवाए हैं उनको भी अगर आपको पॉइंट्स इंक्रीज करने हैं तो आप घुमा फिरा के उनको भी गाइडेंस के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। अगर एक और तरीके से देखें तो ये मेजर जो चीज है ना, मेन जो चीज है जरूरत की, वो ये है कि किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए, और उनकी जो कैपेबिलिटीज है, उनका जो पोटेंशियल है, उसको डेवलप करने के लिए, पहले तो आप आइडेंटिफाई करें, उसके बाद उसको डेवलप करने में भी जो है उसको गाइड करें, हेल्प करें, राइट right? सो वो क्या है, मेजर जो मेन पॉइंट है जिसके अराउंड सारी चीजें घूम रही हैं, वो क्या है कि वो इंसान को खुद को पहचानने में, सेल्फ डायरेक्शन में, सेल्फ ओरिएंटेशन में हेल्प करती है जो गाइडेंस है वो। फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ गाइडेंस की जरूरत, मतलब इंपॉर्टेंट जैसे वो तो था जरूरत, नीड, इंपॉर्टेंस की क्या अहमियत है उसकी, गाइडेंस की अहमियत। सो इंसाइट डेवलप करने के लिए या सेल्फ डिसीजन के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको किसी की गाइडेंस मिली, आपने उसकी गाइडेंस या उसका पॉइंट ऑफ व्यू सुन के सोचा, कि आपने एक एक्सपर्ट की सलाह ली है ना, उसके बाद आप अपना डिसीजन बना रहे हैं। सो एक इंसाइट और सेल्फ डिसीजन जो है डेवलप करने में ये हेल्प करती है, सेल्फ डायरेक्शन में हेल्प करती है, कि आपको ये आइडेंटिफाई करवाने में हेल्प करती है कि वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो इंपॉर्टेंट हो गई जब आपको अपने बारे में जानने को मिल रहा है, ताकि आप इंप्रूव कर पाए चीजों को, जो आपकी वीकनेस है आप उनको क्या कर पाए, सही कर पाए, और जो आपकी स्ट्रेंथ है आप उनको और ज्यादा क्या कर पाए, अच्छे से उनके ऊपर भी काम कर पाए, कि वो और ज्यादा क्या हो जाए आपके लिए, आपके बेटरमेंट के लिए जो है वो जरूरी है। एडजस्टमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है हमारे पास गाइडेंस, क्योंकि हमें कई बार होता है कि हम किसी सोसाइटी में या किसी जगह पे मेंटली या आपके जो थॉट्स हैं उस बेसिस पे आप एडजस्ट नहीं कर पाते वहां। सो जब उस एडजस्टमेंट के लिए जब आप किसी को क्या कर रहे हैं, गाइडेंस को सीख कर रहे हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो गया कि आपको एडजस्टमेंट्स में हेल्प कर रही है। और जब आप एडजस्ट कर पाएंगे, या फिर आप जो है एक आपकी सेल्फ ओरिएंटेशन होगी, आपको स्ट्रेंथ वीकनेसेस सब पता है अपनी, सो एक बेटर लाइफ होगी आपकी, आप बेटर ऑप्शंस जो है आप चूज कर पाएंगे, और लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस, कि आप जो है किस तरीके से आगे बढ़ते हैं और क्या क्या चॉइसेस आपकी हैं, राइट right? सो जब आपकी लाइफ बेटर है तो आप सोसाइटी को भी एक जो है बेटर नजरिए से देख पाएंगे और सोसाइटी को बेटर बना पाएंगे। सो फर्दर प्लानिंग या फ्यूचर प्लानिंग लगा लीजिए, या एजुकेशन से रिलेटेड प्लानिंग लगा लीजिए, या हेल्थ से रिलेटेड प्लानिंग लगा लीजिए, किसी भी चीज से रिलेटेड ये प्लानिंग में आपको हेल्प करती है, क्योंकि आपको एडजस्टमेंट्स आ गई हैं, आपको अपने बारे में पता है, आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, आप सेल्फ ओरिएंटेड हैं, तो वो सारी चीजों को मिला के आप एक बेटर प्लान जो है चीजों को कर सकते हैं। अब वो किसी भी चीज की प्लानिंग हो सकती है, सो एक फर्दर बेटर प्लानिंग के लिए जो है गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो ये जो है हमने तीनों चीजें पढ़ी, अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।